नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन रेलवे यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में जोरों से काम कर रहा है। वहीं कई मोर्चों पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इंडियन रेलवे की इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए चित रंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एरोडायनेमिक डिजाइन वाला WAP-5 पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तैयार किया है। पहले बैच में 2 इंजन तैयार किए गए हैं। आपको बता दें, चित रंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बनाए इन इंजनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे तेज रफ्तार में भी एयर ड्रैग्स कम हो सके। ये पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एनर्जी एफिशिएंट और डायनेमिकली स्टेबल होगा। इन दोनों लोकोमोटिव की क्षमता 6000 हॉर्स पावर होगी, जिससे ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होंगे। ये लोकोमोटिव IGBT आधारित परपल्शन सिस्टम से लैस होंगे। ये लोकोमोटिव इंजन प्रीमियम पैसेंजर ट्रेनों में पुश पुल मोड पर काम करेंगे। गौरतलब है कि नए लोकोमोटिव इंजन को चलाने के दौरान ड्राइवरों की सहूलियत को ध्यान में रखकर कई जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। तकनीकी बदलाव करते समय ध्यान रखा गया है कि लोको पायलट अपनी स्किल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इंजन में कंपोजिट कन्वर्ट्स उपलब्ध कराया गया है ताकि ट्रेन के डिब्बों और पेंट्री कार में बिजली की आपूर्ति की जा सके। इससे दोनों में अतिरिक्त डीजल पावर जनरेटर कार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CLW ने दावा किया है कि ये इंजन शोर मुक्त, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन इंजनों के इस्तेमाल से ऊर्जा संरक्षण भी किया जा सकेगा। यही नहीं, इन लोकोमोटिव इंजनों के रख रखाव पर कम समय का खर्च होगा जिससे सेंटिंग टाइम बचाया जा सकेगा। बता दें कि इंडियन रेलवे पहले ही जानकारी दे चुका है कि दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई रूट्स पर ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। रेलवे इन्हीं रूट्स पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बना रहा है जिसका काम मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा। DFC बन जाने से ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली मिल सकेगा। बता दें कि इंडियन रेलवे पहले से ही तेजस, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों को चला रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।